वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। दोस्तों, हम लोग इस कोर्स में देख रहे हैं लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ESE गेट, DRDO, वार्क, जिसरो, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवे के हो, SSC के हो, सब में लेथ मशीन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कंबाइंड ब्रांचेज का एग्जाम होता है, से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मिला के कंबाइंड ब्रांचेज का एग्जाम लिया जाता है। ऐसे हाँ सर, रेलवे वगैरह ऐसा करता रहता है, या भी बहुत सारे और भी एग्जाम हैं आपके स्टेट लेवल के, वो ऐसा करते रहते हैं। ऐसे लोग बच्चों के लिए भी लेथ मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे ब्रांच जो भी आपके जो बेसिक होते हैं, जो आपको जो आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होता है, यानी कि जो सबसे कॉमन जो पेपर्स होते हैं, वही सबसे क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका लेथ मशीन ये कॉमन पेपर होता है, क्योंकि हर ब्रांच का बच्चा लेथ मशीन में वर्कशॉप में जाता ही जाता है और वर्कशॉप में करता ही करता है, तो ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हर लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका भाई, आपकी बहन है, अगर वो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में है, किसी ब्रांच में है, उसको साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और किसी भी ब्रांच में आप हैं तो आप भी इसको जरूर देखें, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आप अभी ही, तो फिर बाद में आप लोग इतना खो जाएंगे वीडियो में कि आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक बधाइयाँ दे दूँ। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेरों सारे रंगे भर दे, खुशियों से भर दे ये त्यौहार। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि अभी हॉस्टल में बंद होंगे, वो पढ़ाई तैयारी में लगे हुए होंगे, उनके कैरियर को लेकर काफ़ी टेंशंस वगैरह होंगे, ठीक है। पर टेंशन मत लो, सब कुछ हो ही जाता है, ठीक है। बस टेंशन लगा रहता है, और टेंशन मत लीजिए टेंशन, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। आप काम करें, काम जितना मेहनत आप टेंशन लेने में कर रहे हो, उतना काम करने में करो, ठीक है। अब ये अलग बात है कि भैया अब जॉब नहीं लग रहा है, टेंशन तो है ही है, ठीक है। अब कैसे टेंशन को दूर करें, तो सोचिए मत, काम पे भाई, काम में अपने वो बिजी कर लीजिए, अपने आप याद नहीं आएगा। पढ़ने पर लगिए, जब भी लगे यार कैसे होगा कैसे होगा, चुपचाप किताब निकालो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अभिनंदन कुमार आजाद, मैंने बीटेक कर रखा है BIT मिश्रा से, एम टेक कर रखा है LNC भोपाल से, मैंने MTech कर रखा है और ये थर्मल इंजीनियरिंग में मैंने किया था, ठीक है। और मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने 3-4 बार गेट क्वालिफाई कर रखा है, मैं बेस्ट AIR 159 था, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप लोग हैं AS के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, आप इस चैनल पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे आपको नाम फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे, मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हर एक जो टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर वीडियो का प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उससे अच्छा लगेगा क्या कि हर एक टॉपिक को जो भी मैं शुरू करता हूँ चैप्टर, उसको मैं फिनिश करता हूँ उसी प्लेलिस्ट में, फिनिश करता हूँ। जैसे लेथ में शुरू होती है, प्लेलिस्ट में ये खत्म हो जाएगा पहले, उसी बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मैं जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने गैस टरबाइन का हाल ही में बनाया है, RAC का कंप्लीट बना हुआ, IC इंजन का कंप्लीट बना हुआ, टॉम बना रखा है मैंने, काफ़ी वाइब्रेशन वगैरह कुछ चैप्टर बचे हुए पर उसने कंप्लीट कर रखा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने कंप्लीट करा है, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो भी गेट के लिए एग्जाम के लिए और फिर अदर कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, उसको भी मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम देते हैं इसमें आपको हिंदी ग्रामर के कोर्सेस आते हैं वीडियो, तो वो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग इस पर आते हैं। ये सब चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा है, ठीक है, बता रखा है ये सब चीज़ें, तो उसको आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में होगा, लेथ मशीन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। ये हम लोगों ने दिखा था लास्ट वीडियो में कि किस प्रकार से ऑफ सेटिंग या फिर किसी और तरीके से हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखना है टेपर या टूरेंट लेथ के बारे में हमें देखना है, ठीक है। टूरेंट लेथ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो टूरेंट लेथ क्या होता है, ए टूरेंट लेथ अ नंबर ऑफ टूल्स कैन बी सेट अप ऑन द मशीन एंड देन क्विकली बी ब्रॉट सक्सेसिवली इनटू अ वर्किंग पोजीशन सो दैट अ कंप्लीट पार्ट कैन बी मशीन विदाउट द नेसेसिटी फॉर द फर्दर एडजस्टमेंट चेंजिंग टूल्स और मेकिंग मेजरमेंट, ठीक है। तो टूरेंट लेथ का फायदा क्या होता है कि एक साथ ढेर सारे ऑपरेशन कर सकते हैं और बिना ही हम टूल को चेंज किए हुए, ठीक है, बिना कोई मेजरमेंट लिए हुए, फर्दर कोई हमको एडजस्टमेंट वगैरह करना नहीं पड़ता है आपको टूरेंट लेथ में। तो ये सब इसके फायदे होते हैं। नेक्स्ट आपका है टूरेंट लेथ का आपका फीचर है, टूरेंट लेथ को आपने देखा भी होगा आपने वर्कशॉप में, तो यहाँ तो मैं फोटो में नहीं दिखा सकता, पर टूरेंट लेथ में मेरा वीडियो एक डला हुआ है,
ठीक है, एक प्लेलिस्ट है टेक्निकल वीडियोज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियोज इस तरह का एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ट्वेंट वेथ पर कैसे काम होता है, क्या ट्वेंट वेथ होता है, उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने दिखा रखा है उसमें, ठीक है, वीडियो के विजुलाइज करके, ठीक है। तो इसमें तो पता नहीं चलेगा कि ब्लॉक डायग्राम है, हल्का फुल्का आपको दिखेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, पर उसमें आपको क्लियर कट दिखेगा। ये है कैप्शन लेट, कैप्शन लेट ये है कैप्शन लेट के बारे में भी आपने देखा होगा, आपने वर्कशॉप में अगर होगा तो देखा होगा, नहीं तो आपने टीचर ने तो पढ़ाया ही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो उसका भी मेरा वीडियो बना हुआ, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो था जो यहाँ पर नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि ये PPT है तो इसमें नहीं आ पाएगा, तो उसको मैंने वहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें डिफरेंस बार बार आता रहता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है। मेरा बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल का कॉलेज का जो एग्जाम होता है, मुझे मैंने भी जब एग्जाम दे रहा था तो उस वक्त भी आया था कैप्टन लेट और ट्वेंट लेट में डिफरेंस लिखने के लिए, और आपके कंपटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। कैप्टन लेट में क्या होता है, शॉर्ट स्लाइड सिंस द सैडल इज कंपाइल्ड ऑन द क्लैम्प्ड ऑन द बेड इन पोजिशन, ठीक है, शॉर्ट स्लाइड होता है इसमें, सिंस द सैडल इज क्लैम्प्ड ऑन द बेड इन पोजिशन। ट्वेंट लेंथ में क्या होता है, सैडल मूव अलोंग द बेड, बेड के साथ सैडल मूव कर सकता है, दस अलाउंग द स्टूडेंट टू बी ऑफ लार्ज साइज, ताकि इसमें हम लार्ज साइज का वर्कपीस को भी हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, वर्क उस पर कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी मशीन जनरली फॉर कंपोनेंट हुज डायमीटर्स इज लेस देन 50 mm, ठीक है। तो आपके पास जो लेंथ होता है जनरली वो कैप्टन लेंथ होता है, कि हल्का होता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा मतलब सस्ता मिल जाता, तो आपके जो वर्कशॉप में जनरली रहता है वो कैप्टन लेथ रहता है। ट्वेंट लेथ हर किसी के लैब में आप हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सरकारी जो जो सॉरी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें आपको कैप्टन लेथ मिलेगा, ट्वेंट लेथ नहीं मिलेगा। हैवी ड्यूटी मशीन जनरली फॉर कंपोनेंट विथ लार्ज डायमीटर सच एज 200 mm, तो इसमें हम लार्ज डायमीटर पर वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर हमको लार्ज डायमीटर पर वर्क नहीं कर सकते हैं, ये 50 mm तक ही लिमिटेड होता है, लेस देन 50 mm का ही वर्क पीस को हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं उस पर। यहाँ पर 200 mm तक का वर्क पीस, 200 mm डायमीटर तक के वर्क पीस को हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। आपका टू मच ओवरहैंड ऑफ द ट्वेंट व्हेन इट इज नियरिंग कट, ये इसके साथ है, ट्वेंट लेंथ के साथ है। सिंस द ट्वेंट स्लाइड्स ऑन द बेड, ये बेड पे इसका स्टूडेंट स्लाइड कर सकता है, देयर इज नो सच डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैम टाइप ट्वेंट लेंथ that ram and the twent are moved up in the cutting position by means of the captain wheel, as the ram is moved toward the headstock the twent is automatically locked into position, jabki aapka twent lathe ki baat kare captain lathe ka kisse the twent lathe ki baat kare to saddle types lathe the main twent is mounted directly on the saddle and the entire saddle and twent assembly is reciprocated, तो ये आपका दोनों के बीच के डिफरेंस था, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोट्स पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, उस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं, IAS में 2012 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ट्वेंट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, ट्वेंट लेंथ पे हम इंडेक्सिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। द हेक्सागोनल ट्वेंट इज रोटेटेड फॉर द इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडक्शन के लिए ट्वेंट लेंथ जो है वो रोटेट कर सकता है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं बाय जिनेवा मैकेनिज्म। जिनेवा मैकेनिज्म ये भी आपने टॉम में पढ़ाया है, मैंने जिनेवा मैकेनिज्म का टॉम बना हुआ थ्योरी ऑफ मशीन के वीडियो बने हुए हैं, जिसमें आपको जानता हूं कि आपको थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में काफ़ी दिक्कत आता है बच्चों को, तो वो बना हुआ है मेरे वीडियो, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसे जिनेवा मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो जिनेवा मैकेनिज्म के कारण उसमें इंडक्शन, जिनेवा मैकेनिज्म की हेल्प से हम इंडक्शन करते हैं। वेयर अ जिनेवा डिस्क हैविंग 6 रेडियस स्लॉट इज ड्रिवन बाय अ रिवॉल्विंग पिन, ठीक है, रिवॉल्विंग पिन रहता है उसके द्वारा ये हम अटैच रहता है। बिफोर स्टार्टिंग रोटेशन द लॉकिंग पिन इज विदड्रॉन बाय अ रैम लेवल मैकेनिज्म, द सिंगल रोटेशन ऑफ द डिस्क होल्डिंग द इंडेक्सिंग पिन इज ड्राइव फ्रॉम द एक्चुअली शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ अनदर सिंगल रिवॉल्वेशन क्लच एज इंडिकेटेड फॉर द मोशन लेथ की अगर हम बात करें, ऑटोमेटिक लेथ की बात करें, फॉर द ऑटोमेटिक लेथ क्लच एंड पॉल मैकेनिज्म उसमें इस्तेमाल में आता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऑटोमेटिक लेथ में हम रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म इस्तेमाल में आता है ट्वेंट इंडक्शन
करने के लिए, जबकि आपका हेक्सागोनल टर्नलेंथ में आप हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जिनेवा मैकनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक लेंथ को भी हम लोग देख लेते हैं, ऑटोमेटिक लेंथ क्या है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लेंथ को हम लोग देख लेते हैं, द टर्न ऑटोमेटिक इज समवट लूजली अप्लाइड बट इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू दोज मशीन टूल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल पीसेस विदाउट द अटेंशन ऑफ एन ऑपरेटर आफ्टर ईच पीस इज कंप्लीटेड, दस आफ्टर सेटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग एन इनिशियल सप्लाई ऑफ मटेरियल फर्दर अटेंशन बियॉन्ड रिप्लेसिंग द मटेरियल सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल द डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस चेंज ओविंग टू टूल बियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑटोमेटिक लेथ्स आर डेवलप्ड डैट कैन बी यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम मैनुफैक्चर एप्लीकेशन सच ए सिंगल स्लाइडर ऑटोमेटिक्स स्विस बाई ऑटोमेटिक्स एंड मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमेटिक्स। तो ये आपका था ऑटोमेटिक लेथ के बारे में, ठीक है। इसका भी वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियोज नामक प्लेलिस्ट में आपको ये सब वीडियोज मिल जाएंगे जो यहाँ पे मैं नहीं आ पाया है। नेक्स्ट है आपका स्विच टाप ऑटोमेटिक लेथ ऑफ स्लाइडिंग हेड स्ट्रोक ऑटोमेटिक्स। पहला, हेड स्ट्रोक ट्रेवर्स इनेबलिंग एक्सेस स्पीड ऑफ द बार स्ट्रोक अगेंस्ट द कटिंग टूल। नेक्स्ट है, देयर इज नो टेल स्ट्रोक और टूरेंट। नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड स्पिंडल। सारे किस्से किसके हैं, ये सारे किस्से ऑटोमेटिक लेथ के हैं, ठीक है, या फिर कहें कि स्लाइडिंग हेड स्ट्रोक ऑटोमेटिक लेथ का है, स्विच टाइप ऑटोमेटिक लेथ, या फिर कहें कि स्लाइडिंग हेड स्ट्रोक ऑटोमेटिक्स के ये सब प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हेड स्ट्रोक ट्रेवर्स इनेबलिंग एक्सिस स्पीड ऑफ द बार स्ट्रोक अगेंस्ट द कटिंग टूल्स। नेक्स्ट आपका है, देयर इज नो टेल स्ट्रोक और टूरेंट, कोई टेल स्ट्रोक नहीं होता या फिर टूरेंट नहीं होता है। हाई स्पीड पे काम कर सकता है, 2000 से लेकर आपको 10000 आरपीएम पर ये काम कर सकता है फॉर स्मॉल जॉब्स डायमीटर के लिए। द कटिंग टूल्स की बात करें तो आर फीड रेडियली ये फीड दे सकता है कटिंग टूल अप टू 5 इन नंबर इंक्लूडिंग 2 ऑन द रॉकर आर्म। जो कटिंग टूल जो इसमें होते हैं कितने होते हैं, अप टू 5 इन नंबर इंक्लूडिंग 2 ऑन द रॉकर आर्म पे भी होते हैं, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है आपका यूज्ड फॉर लॉट ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ थिन सिलेंडर रॉड आर ट्यूबुलर जॉब्स लाइक कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल क्लॉक्स एंड व्रिस्ट वॉचेज बाय प्रिसिशन मशीनिंग। तो ये आपका था ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है, ये आपका उसकी पिक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा हो आपको कि कटिंग टूल पोजिशनिंग एंड मोशन, कटिंग टूल का पोजिशनिंग और मोशन दिखाया गया है, ढेर सारे कटिंग टूल लगे हुए हैं। तो ऑटोमेटिक लेथ में यही से फायदे होते हैं। रॉकर आर्म, ये आपका रॉकर आर्म कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हेड स्ट्रोक है, ठीक है, हेड स्ट्रोक को भी हम मोशन दे सकते हैं, ये हमारे पास ये अच्छी बात है, एक फायदा है। उसके बाद ये है आपका जॉब जिसपे आपको मशीनिंग करना है, ये आपका टूल दिखा हुआ है, टूल स्लाइड रेडियली, टूल को हम रेडियली स्लाइड कर सकते हैं, ये जॉब को गाइड करने वाला है, जॉब गाइड यानी कि ये इससे अटैच है कि जॉब इधर उधर हिलडोल ना कर सके, ये जॉब को गाइड करने वाला है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस काम में आता है। नेक्स्ट है आपका मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ कैसे काम करता है, ठीक है, तो फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जॉब यूजुअली ऑफ स्मॉल साइज एंड सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन करना है, हाई रेट से इंक्रीज में एक ही तरह की चीज़ें बनाते जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ्स इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैविंग 4 of 8 पैरा स्पिंडल्स आर प्रिफरेबली यूज, इसमें जनरली 8 पैरा स्पिंडल्स इस्तेमाल में आते हैं। मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमेट्स ऑल्सो मे पैरल एक्शन ऑफ प्रोग्रेसिवली वर्किंग टाइप, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें हैं जो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में रहता है, ये भी वीडियोज आपको वहीं पे मिलेंगे मेरे अलग प्लेलिस्ट में, ठीक है। नॉर्टन टाइप और टम्बुलर गियर क्विक चेंज गियर मैकेनिज्म, तो ये आपका दिया हुआ है नॉर्टन टाइप ट्यूबुलर गियर क्विक चेंज गियर बॉक्स, ठीक है, ये आपका गियर बॉक्स है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है,
ये तो आपने कहीं कहाँ देखे होंगे। हाँ या तो देखो ये गियर बॉक्स ना साइकिल वगैरह में आप यूज करते होंगे, किसी आपको स्पीड को चेंज करना तो इस तरह के गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ एक ही स्पिनर पे ये सब एक ही शाफ्ट पे ये सभी के सभी माउंटेड होते हैं, पर यानी कि आरपीएम उसका सेम होता है पर उसका स्पीड अलग अलग रहता है, तो ये आपको खिसा खिसा के सब जगह अटैच हो सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लगा रहता है। एक ये साइड से दिखाया गया, एक इस साइड से दिखाया गया है, आप इसको सिंपली समझ सकते हो क्योंकि वह साइकिल वगैरह में जो गियर आता था, पहले गियर वाला साइकिल आता था, ठीक है, वो इसी प्रकार से कभी इस पे नचता था फीता लग के, फिर इस पे नचता था फीता लग के, इस पे भी नचता था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉर्टन टाइप ट्यूबलर गियर क्विक चेंज गियर बॉक्स के बारे में, ठीक है। इट आपको है, अगर हम इसकी बातें करें, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये है आपका इट कंप्राइज अ कोन ऑफ गियर 1 to 8 माउंटेन और शाफ्ट एस टू, एस टू शाफ्ट पे जो आपने फोटो अभी भी देखा उसमें एस टू शाफ्ट पे आपको 1 से 8 तक का गियर आपको माउंटेन है। द ट्यूबलर गियर कैन स्लाइड ऑन शाफ्ट 1, जो ट्यूबलर गियर है वो शाफ्ट 1 पे स्लाइड कर सकता है। इट कैन मेस विथ एनी गियर ऑन शाफ्ट S2, S2 जो शाफ्ट है उस पर ये जो भी है वो सब के सब क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। थ्रू एंड इंटरमीडिएट गियर विथ इज लोकेटेड ऑन द स्विंगिंग एंड स्लाइडिंग लेवल सो दैट इट कैन बी एंगेज गियर 1 to 8 टू डिफरेंट डायमीटर ऑन शाफ्ट S2। देखो मैंने जो पिछला फोटो बनाया पहले उसको बना लीजिए कॉपी पे, तब जाके आप देख सकते हैं क्योंकि मैं दोनों स्लाइड को एक साथ नहीं रख सकता, ठीक है, तो एक स्लाइड का जो चीज़ें हैं पिछला स्लाइड वो सब चीज़ आपने कॉपी पे बनाते जाएं आप, ठीक है, तो एक आपका नोट्स भी तैयार हो गया बन जाएगा। द लेवर कैन बी फिक्स्ड इन एनी डिजायर्ड रेशियो पोजिशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप पिन, ठीक है। द ड्राइव इज यूजुअली फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट S1 टू द ड्रिवन शाफ्ट S2, ठीक है, तो ये है आपका इसका गियर मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, इसका आंसर्स मैंने बता दिया था, तो ये सब क्वेश्चंस को आप करें, सारे क्वेश्चन को देखिए, ढेर सारे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन ढेर सारे इससे आया है, देख ही सकते हो आप, ढेर सारे भर भर के क्वेश्चन इससे आते गए हैं आते गए हैं आते गए हैं, हर जगह ही क्वेश्चन आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को जो का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आंसर बताइए और आंसर बता के मुझे बताते जाइए, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी थे वो सारे क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो लेथ मशीन का जो कोर्स चलता ही जा रहा था वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस पूरे कोर्स में लेथ मशीन में इतना ही था, मैं एक और वीडियो जिसमें अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको पूरा के पूरे वीडियोज का आंसर्स बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपके सामने रखूंगा, ठीक है। यदि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के उसके एक सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पर आपके लेथ मशीन समाप्त होता है, अगला जो मैं कोर्स लाऊंगा उसका भी आपको अपडेट जल्द ही मिलेगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है, और वीडियोज को शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि वीडियोज को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे, कंपटीशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जो बच्चे जो क्वेश्चन करेंगे वो लिखेंगे, आप उससे देखोगे कि किसका आंसर मुझसे अलग आया, तो आप उससे पूछोगे कि कैसे आपने बनाया, वो डिस्कशन होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैंने ग्रुप भी बना रखा है तो वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम का एक ग्रुप का मेरा लिंक भी दिया हुआ होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप टीचर से जो भी यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो भी उसमें ज्वाइंट है, और जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको मिल जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो ये आपके क्वेश्चन के लेथ मशीन के जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर हैं, ठीक है, तो यही है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।